हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, कल हमने एक सिमिलर वीडियो लाए थे, व्हाट्सएप यूजर्स पूरी दुनिया में कितने थे, मतलब भारत के और देशों के। तो आज हम लेकर आए हैं कंट्रीज विद द मोस्ट इंस्टाग्राम यूजर्स इन द वर्ल्ड। कल तो इंडिया जीत गया था, कुछ 600 मिलियन यूजर व्हाट्सएप के थे भारत के, वर्ल्ड वाइड 2.5 बिलियन लोगों में से, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा था भाई। तो अभी देखते हैं इंस्टाग्राम यूजर्स भारत के ज्यादा है या कोई और देश भारत से आगे है, या पाकिस्तान इसमें कौन से नंबर पे। 2024 का नया बिल्कुल डेटा है, तो गाइस देखते हैं किधर से स्टार्ट होगा। 2010 से 2024, बिना किसी देरी के देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट 2010 से स्टार्ट हुआ यूनाइटेड स्टेट भाई, इसमें तो शुरू से ही अमेरिका छाया हुआ भाई। तो ये जो चीज अमेरिका स्टार्ट करता है तभी दूसरे देशों से जाती है। इंडिया 10वें, पहले 13वें नंबर पे था, अभी 10वें पे आ गया, 8वें पे। पाकिस्तान तो लिस्ट में ही नहीं है भाई। इंडिया फिर नीचे आ गया। मैं वो इंडिया को क्या हुआ भाई, तीसरे पे आया भाई, फिर 5वें पे चला गया, तीसरे से 5वें पे आ गया। इंडिया इधर भी 16 में स्पीड पकड़ेगा, लिख के ले लेना। हाँ भाई, चौथे पे इंडिया, मतलब 12 में चौथे नंबर पे आ गया था। इंस्टाग्राम का क्रेज काफी है भारत में शुरू से, व्हाट्सएप का इतना नहीं था ना भाई। इंस्टाग्राम यार 2020 के बाद बहुत छाया है। ये देखो 2012 में इंडिया का गोली हो गया इंस्टाग्राम। मतलब इंडियन शुरू से इंस्टाग्राम पे इंटरेस्टेड है यार। ना कि 12 चल रहा, अभी 13 चला है भाई। इंडिया तो स्पीड पकड़ रहा है भाई। टोटल अभी यूजर्स दुनिया में इसके 340 मिलियन हुए हैं, और इंडिया के 45 मिलियन, अमेरिका 73-74 मिलियन में। नहीं हो यार, ये 2020 से भी पहले का है। मैं पता क्या समझ रहा था, मैं समझ रहा था कि वो जब बॉयकॉट हुआ था ना टिकटॉक का। ना ना भाई, वो तो कुछ भी नहीं था, इंडिया में इंस्टाग्राम यूजर्स पहले से। ये देखो 14 में मेरे लगता है अमेरिका क्रॉस हो जाएगा भाई। मतलब इंस्टाग्राम का किंग बन गया था इंडिया 2014 में, अभी तक नेट भी सस्ता नहीं हुआ था भाई। हाँ, तकरीबन 15 में इंडिया इंस्टाग्राम का किंग बन गया था, और अभी तक मजे की बात भाई, अभी तक जियो का सस्ता नेट आया ही नहीं था, और इंडियन इंस्टाग्राम पर। सही बात है, मतलब यार ये बहुत पुराना ट्रेंड है, मतलब भारत में इंस्टाग्राम का। पाकिस्तान में तो अभी ये 2015 में, यही 3-4 साल में हुआ, 4-5 साल में बहुत चला है, उससे पहले नहीं था यार। तभी पाकिस्तान 2015 तक है ही नहीं। ब्राजील तीसरे नंबर पे यार, इंडोनेशिया चौथे नंबर पे भाई, जिन ने हमारी 5वें नंबर की आबादी है, कहाँ जा रही है भाई। टिकटॉक पे लगे हैं सारे क्या। इंडिया फिर से, इंडिया का वो डेटा ऊपर जा रहा है, झंडा नीचे से। अमेरिका भी पीछे पीछे है। पाकिस्तान आएगा 2019 के बाद, जितना मुझे लगता है, क्योंकि 2019 के बाद बहुत से लोगों ने ये स्टार्ट किया था इधर। इंडिया के 200 मिलियन यूजर्स 2019-20 में आएगा, बहुत भी आया तो। तभी तो हर कंपनी इंडिया में ऑफिस खोलती है, क्यों खोलती है, यूजर्स देखो, इंडिया यूजर्स देखो, उनको मैनेज करने के लिए पूरे पूरे ऑफिस जरूरत होते हैं भाई। 200 मिलियन तकरीबन हो गया इंडिया के 18 तक। ब्राजील अच्छा हर मामले में फिर आ जाता है पीछे, वही ना यार। मतलब पाकिस्तान भाई इतना भी यार नहीं है यार, भारत यार नहीं था, पाकिस्तान में इतना लोग नहीं यूज करते थे, मुझे पता है ना। 2019-20 के बाद ये पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ बहुत ज्यादा, वरना उस टाइम उससे पहले कोई यूज ही नहीं करता था इतना। मैं तो भाई 18 से पहले तो यूज कर, 17 से भी पहले मैं 17 से भी पहले कर। ये कोरोना काल शुरू हो गया, पाकिस्तानियों कुछ तो शर्म करो, अब तो आ जाओ। हाँ भाई, अब तो आ जाओ। अच्छा उसमें देख ना, 2020 में कोरोना काल जब स्टार्ट हुआ, इंडिया की स्पीड चेक कर। हाँ, इंडिया के यूजर्स और बढ़ गए, अमेरिका शमेरिका तो पीछे रह गया भाई।
अमेरिका के काम हो रहे हैं क्या? इंडिया आगे जा रहा है, इंडिया बहुत आगे जा रहा है, इंडिया आगे जा रहा है और उसके मुकाबले में पाकिस्तान लिस्ट में नहीं है। मुझे हजम नहीं हो रहा यार, इतने भी कम नहीं है इधर, हर कोई इंस्टाग्राम पे आजकल भाई। ये वर्ल्ड वाइड है, लाखों करोड़ों में ये आ गया बे, 15वें नंबर पे। और मेरी आंखें तरस गई थी पाकिस्तान को, 14वें नंबर पे, 13वें नंबर पे। 2022 में पाकिस्तान छाया भाई, पाकिस्तानियों को भी पता लगा इंस्टाग्राम नाम की भी कुछ चीज है। पाकिस्तानी को लगा कि मजा इधर भी है तो निकलो आगे। 2023 तक 335 मिलियन, इसी के साथ मतलब ये कह सकते हो 33-34 करोड़ लोग जो है इंस्टा यूज कर रहे हैं इंडिया में, 33-34। अच्छा 2022 में पाकिस्तान को पता लगा कि इस नाम इंस्टाग्राम नाम की भी कुछ चीज होती है। चलो इधर इधर चलो यार, मैं वही कह रहा हूँ ना, बहुत से लोग नहीं यूज कर देते, अभी आकर ये स्टार्ट किया पाकिस्तान में। इतना वही भाई मर्जी की बात, किसी ने मतलब यूज किया होगा ना पाकिस्तान में, कोई पाकिस्तान में यूज कर रहा होगा ना, दूसरे बोलोगे ये कौन सी ऐप है, वो बोलेगा इंस्टाग्राम। मुझे भी लगा, बताता हूँ इंस्टाग्राम वगैरह क्यों ये यूज करते हैं पाकिस्तान में। फिर कुछ यूट्यूबर्स आए, फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन आए, शोबिज के लोग आए, फिर इस तरह बढ़ता रहा, ठीक है, इससे रिलेटेड। फिर बड़ी बड़ी जो है ना शॉप्स के मालिक आए, ये वो सारा कुछ इसकी वजह से हुआ, इससे पहले कुछ भी नहीं था मतलब। मैं और इधर मैं एक और बात बोलूंगा कि इधर सोशल मीडिया, असल सोशल मीडिया जो है ना पाकिस्तान में 2021 के बाद सही से चला, असल सोशल मीडिया इंडिया में 2012 से ही बहुत, इंडिया 14 में टॉप पे चला गया, 14वें टॉप पे चला गया था असल मतलब इंस्टाग्राम। गाइज आपसे एक क्वेश्चन है, आपने किस ईयर में इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, अपना अकाउंट बनाया था, प्लीज कमेंट बता मैंने 2020 में बताया था ना, मैंने आपने 21 में बनाया था, 20 के एंड में, नहीं भाई 21 में बनाया था, 21 में भाई ने बनाया था, मैंने तो कुछ 16 में बनाया था कि 17 में, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने तब शुगल मोगल में बनाया था, उस टाइम नहीं पता था इतना। पढ़े लिखे लोग भी बहुत है, बिजनेसमैन भी बहुत है, सारा कुछ बहुत है वो हमारे पाकिस्तान में। ये रियलिटी है यार, सच बोलूं के ठीक है, बिजनेसमैन भी यूज करते हैं, शोबिज के स्टार्स भी यूज करते हैं, यूट्यूबर्स भी करते हैं, लेकिन काफी सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ रील्स के चक्कर में जो है, और पाकिस्तान में मोस्टली लोग जो है ना वो ट्विटर यूजर बहुत, ट्विटर नहीं बे, टिकटॉक यूजर बहुत है, बहुत ज्यादा है। जब चीज ही पाकिस्तानी घटिया देख रहे हैं तो वो अच्छी चीज का चाइनीज बार। फिर खैर इंस्टाग्राम कौन सा बहुत अच्छा है ये अलग बात है, लेकिन ट्विटर बहुत मस्त चीज है, और उसमें भी इंडियन सबसे ज्यादा टॉप की असल में बात ये है ना कि यार उसमें दुनिया भर की खबरें, और इसमें भी इंडियन टॉप है भाई। आपका इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।